सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताकर उन्हें जेल भिजवा देने तक की धमकी देने वाले भारतीय जनता पार्टी के MLC टुन्ना जी पांडे को भले ही बिहार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी टुन्ना जी पांडे पार्टी के हरेक गतिविधि में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको पटना से बता रहे हैं। आपको बताते चले कि आज भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल मीटिंग थी, जिसमें निलंबित जो भारतीय जनता पार्टी के MLC टुन्ना जी पांडे हैं, वो भी इस पार्टी की बैठक में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए हैं। दरअसल आपको बताते चले कि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी और विधानसभा प्रभारी के साथ बैठक की। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के सभी मंत्री, विधायक और विधान पार्षदों के साथ मीटिंग किया और इस मीटिंग के दौरान टुन्ना जी पांडे भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप तस्वीर के माध्यम से खुद देख सकते हैं कि किस तरह से पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, उनके द्वारा मीटिंग की जा रही है और इस मीटिंग में जो निलंबित विधान पार्षद टुन्ना जी पांडे हैं, वो भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आखिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और JDU को बेवकूफ बनाने का काम किया है, क्योंकि टुन्ना जी पांडे के द्वारा हाल के दिनों में विवादित बयान दिया गया था और इसी विवादित बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने टुन्ना जी पांडे पर कार्रवाई की थी और उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। बावजूद आज मीटिंग में टुन्ना जी पांडे शामिल हो गए हैं। आप तस्वीर के माध्यम से खुद देख सकते हैं कि किस तरह से वो पार्टी के मीटिंग में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के नेतृत्व में यह बैठक हुई और इस बैठक में निलंबित MLC भी शामिल हुए हैं। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।